जय श्री कृष्णा फोटॉन्स, आपका आपके चैनल अध्ययन विद शिवाक्ष में स्वागत है। क्या आपको सीमन और स्पर्म के विषय पता है? अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, सीमन क्या है, स्पर्म क्या है। जो हमारा सीमन है वो कहां से निकलता है ये लोगों को नहीं पता है। सीमन हमेशा हमारे यहाँ कई सारे ग्लैंड का सिक्रेशन है। उसे पहला ग्लैंड है आपके यहाँ सेमिनल वेसिकल, दूसरा ग्लैंड है हमारे यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा है कूपर्स ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन अलोंग विद द स्पर्म जो सेमिनिफेरस ट्यूबुलम बन रहा है उसको हम बोलते हैं सीमेन। ये 3 से 5 ml एक इजैकुलेशन में निकलता है, 3 से 5 ml निकलता है और यही सीमेन पेनिस के बाहर निकल करके फीमेल वेजाइना के थ्रू फेलोपियन ट्यूब में जाकर के ओवम को फर्टिलाइज करता है। ये सारे के सारे जो हमारे यहां ग्लैंड्स हैं वो अल्कलाइन सिक्रेशन ही निकालते हैं ताकि जो एसिडिटी है पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, मतलब उसको न्यूट्रल बनाया जा सके ताकि आसानी से स्पर्म को फर्टिलाइज कर पाए। उसके बाद में अगर हम बात करें स्पर्म काउंट के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा इच्छा रहती है क्या मैं पिता बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, क्या मैं सही में मेरे पास स्पर्म काउंट अच्छे से है या नहीं है। ये सब तो वैसे हमारे खान पान पर व्यायाम पर निर्भर करता है, लेकिन आप परेशान नहीं हो क्योंकि अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं साइंस पढ़ते हैं तो आप ध्यान सुनिए, जो स्टेराइल मेल है, स्टेराइल मतलब जो स्पर्म नहीं बना पाता है, अगर उसमें स्पर्म काउंट 20 मिलियन से कम हो जाए तब वो स्टेराइल होगा। सारा का सारा जिम्मेदारी हमारे ग्लैंड्स पर नहीं है, हमारी सोच खान पान और व्यायाम पर भी है कोई अगर स्टेराइल है तो। कोई हेल्दी मेल है, कोई हेल्दी बॉय है, उसमें स्पर्म काउंट 40 मिलियन पर एमएल से लेकर के 100 मिलियन पर एमएल तक होगा। आपका भी स्पर्म काउंट इससे ज्यादा ही होना चाहिए क्योंकि आप सब बहुत हेल्दी है ना, हेल्दी रेट लेते हैं। हमारे यहां मेडिकल साइंस में कुछ टर्म्स भी यूज करते हैं जैसे ऑलिगोस्पर्मिया। ऑलिगोस्पर्मिया में स्पर्म काउंट लो है जबकि एजोस्पर्मिया में स्पर्म एब्सेंट है या एब्सेंस ऑफ स्पर्म है। ये दोनों टर्म जनरली यूज होते हैं स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए। बच्चों में हमेशा एक उत्सुकता रहती है कि हम किससे स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं, वो फूड जिसमें जिंक की मात्रा ज्यादा है जैसे खरबूजे और हमारे यहां जो कद्दू के बीज है उसमें जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा है, आप एलिमेंट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं, स्पिनच ले सकते हैं और भी हमारे यहां बहुत सारी चीजें हैं, आप खा करके अपना स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग अश्वगंधा खाते हैं, कुछ लोग तो शिलाजीत भी लेते हैं, ठीक है, हेल्दी लाइफ के लिए आप ले सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है सीमेन। सीमेन सेमाइनल वेसिकल का जो फ्लूइड है उसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। 40 to 80% जो सेमिनल वेसिकल से निकलने वाला सेमिनल फ्लूइड है वो बनाता है सीमेन। मतलब सीमेन में सबसे ज्यादा जो हिस्सा अगर किसी भी ग्लैंड का है दैट इज द सेमिनल वेसिकल और ये सबसे पहले आपके यहां आता है, ये पहला पार्ट है जो स्पर्म से आकर के गले मिलता है और कहता है चलो भाई हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं ना, हम तुम्हें हर क्षण सहयोग करेंगे, कहीं तुमको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये 40 to 80% ये बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे सीमेन का, क्या सेमिनल वेसिकल का सेमिनल फ्लूइड। उसके बाद में अब ये होता कैसे है आपको कैसे पता चलेगा, ये विस्कस है, चिपचिपा है और उसके बाद में ये
अल्कलाइन भी है। मैंने पीछे बता रखा है कि जितने भी हमारे यहां ये ग्लैंड्स हैं जो स्पर्म को सपोर्ट कर रहे हैं उसके बुरे समय में, मतलब उसको ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं मिले, उसको प्रॉब्लम्स नहीं हो, स्पर्म मरे नहीं, स्पर्म हेल्दी हो, तो उसके लिए ये अल्कलाइन है ताकि जो एसिडिटी है आपके यूरिनरी ट्रैक की उसको वो न्यूट्रलाइज करे। आपको पता है, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो आपके सॉल्ट और वाटर बनता है और रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा इज न्यूट्रलाइज बाय द अल्कलाइन सेक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स। वन फर्स्ट इज द सेमिनल वेसिकल। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या खा के स्पर्म तगड़ा बन जाता है, एक्टिव बन जाता है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, वैरायटीज ऑफ कंपोनेंट्स अपने डाइट में शामिल करते हैं, लेकिन हमारा जो स्पर्म है, आपका भी स्पर्म हमारा क्यों, ये फ्रक्टोज खाता है एंड फ्रक्टोज इज द फ्यूल ऑफ द स्पर्म। ये इसमें सिट्रेट भी है, साथ में ये खा खा के अगर भूदू हो जाता है तो थोड़ा तो व्यायाम करना पड़ेगा ना, तो व्यायाम करवाने के लिए एक हमारे पास केमिकल है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी हमारे यहां सेमिनल वेसिकल का ही सेक्रेशन है, और ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है स्पर्म को, स्लगिश स्पर्म को, भूतो स्पर्म को ये एक्टिवेट करता है, और यही स्पर्म से नया जीवन है, इसी स्पर्म से लाइफ है, और यही आपको पिता बनने का सुख देगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, वन इज द सीमेन, और सीमेन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसका है, वो है सेमिनल वेसिकल का। तो सीमेन और स्पर्म में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बोर्ड का प्रश्न आता है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। अब पूछते हैं क्या मिलके बनता है सीमेन, कूपर्स ग्लैंड सेक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन और सेमिनल वेसिकल का। अब पूरा का पूरा जो हमारा सीमेन है वो अल्कलाइन है, बार बार कह रहा हूं अल्कलाइन ही है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, और 40-80% सीमेन को बनाने वाला सेमिनल वेसिकल है। थैंक यू।